राजधानी लखनऊ में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर वर्ग के लोगों से मिले और सबसे चर्चा के बाद ही हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद हर महिला के खाते में 8500 रुपए महीना दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी नहीं बल्कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षर किए हुए घोषणा पत्र है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बताया कि देश के युवाओं में नौकरियों को लेकर निराशा है। भर्ती निकाली जाती है लेकिन कैंसिल हो जाती है। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद एक महीने के अंदर फौज में भर्ती शुरू कर दी जाएगी। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। लाखों किसान, मजदूर, गरीब, अमीर सब लोगों से मिले, हर वर्ग के लोगों से मिले और फिर उन्होंने मिजोराम से लेकर मुंबई तक यात्रा की और सबसे चर्चा करने के बाद हमारा चुनाव घोषणा पत्र आया। और मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर यह चुनाव घोषणा पत्र वो है जिससे कि गरीब, मजदूर, किसान का भाग्य बदला जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने न्याय योजना के अंतर्गत 2019 में चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था, अगर सरकार बनती तो हर गरीब परिवार की महिला को 6000 रुपए माहवार अनुदान उनके खाते में जमा किया होता, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन अब ये हमारा वादा है कि अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो 4 जुलाई से महिलाओं के खाते में 8500 रुपए माहवार तत्काल उनके खाते में जमा होना चालू हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी युवा ग्रेजुएट होते हैं उन्हें अप्रेंटिसशिप करते हुए 1,00,000 रुपए साल में दिया जाएगा। ये एक मोदी गारंटी नहीं है, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की हस्ताक्षर के साथ गारंटी।